नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उस महान केस के बारे में जिस केस ने टीजीटी अभ्यर्थियों को, यानी जो आपके समस्त जो टीजीटी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी टीजीटी अभ्यर्थियों को परेशान कर रखा है। और आप सभी में से मोस्टली को पता होगा ये केस है आपका जयपाल शर्मा एंड आदर्श वासी स्टेट ऑफ हरियाणा। तो साथियों, ये केस है जो आज की डेट में लगा हुआ था 12 सितंबर 2023 को जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की कोर्ट में। तो साथियों, इस केस में क्या है, नेक्स्ट डेट यहाँ पर लग चुकी है जो कि आपकी 19 अक्टूबर 2023 की। तो साथियों, कुछ जो है यूट्यूबर साथी जो है उन्होंने वीडियो बना रखी है और ज़्यादातर जो टेलीग्राम ग्रुप हैं और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर भी ये चीज़ें फैली हुई हैं कि इस केस की वजह से यहाँ पर जो है टीजीटी पर स्टे लगा हुआ है। तो अगर आपको भी इसी चीज़ का कन्फ्यूजन है तो आपका ये कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा और आपको बिल्कुल क्लियरली ये पता चल जाएगा कि जो भर्ती है वो उस पर सेटे है या जानबूझकर जो है वो यहाँ पर रिजल्ट इसका रोका जा रहा है। तो साथियों, मैं यहाँ पर जो है आपका वो जो 10 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो ये ऑर्डर है ये है आपका इसी केस में जयपाल शर्मा एंड आदर्श वासी स्टेट ऑफ हरियाणा और ये है आपका 10 अगस्त का जो केस है। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे, जिसको यूट्यूबर कई बार दिखा दिखा कर जो है आपसे कहते हैं कि यहाँ पर जो है रिजल्ट घोषित नहीं होगा, सिटे लगा दिया है। तो साथियों देखिए, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें तो यहाँ पर जो स्टेट काउंसिल है वो खुद कह रहा है, सबमिट कर रहा है कि जब तक वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से ओपिनियन नहीं लेते तब तक जो आपका रिजल्ट वगैरह है वो आपका यहाँ पर घोषित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने खुद ने तो कोई रोक लगा नहीं रखी है, यानी कि खुद ने तो कोर्ट ने सिटे नहीं लगाया है। यहाँ तो स्टेट काउंसिल यानी कि HSSC और जो हरियाणा गवर्नमेंट है जिसको ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम तो जी खुद ही रिजल्ट निकालेंगे, हम तो जी आपको फुल सपोर्ट देंगे, अगर आप कितन आपका जितना मन करे आप उतना लंबा इसको खींचो। कहने का मतलब ये है कोर्ट के नाम पर जो है भर्ती को लटकाया जा रहा है कि भाई कोर्ट केस है और हम यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोर्ट ने यहाँ पर जो है स्टे लगा रखा है। इसके बाद देखिए, एक और जो है इसका ऑर्डर ओपन कर लेते हैं, उसमें भी आप एक बार देख पाओगे। तो एक बार स्कोर ओपन कर लेते हैं जो कि आपका 22 अगस्त का था। तो देखिए, यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर कहा गया था कि इन्होंने क्या है इन्होंने पता किया था कि जो यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पर कोई रेफरेंस वगैरह यहाँ पर जो है यानी कोई ओपिनियन वगैरह यहाँ पर लिया नहीं गया है। तो साथियों, कुल मिलाकर मेन बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई सिटे है नहीं और स्टेट काउंसिल यानी कि जो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट और HSSC है वो खुद ही यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है एक टीचर लगेगा और एक टीचर को यहाँ पर जो है 65 से 70 हज़ार जो है सैलरी देनी पड़ सकती है, यानी कि 60 हज़ार प्लस यहाँ पर जो है सैलरी देनी पड़ सकती है। ठीक है जी, तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो है हरियाणा में टीचरों की भर्ती होती है और किस तरीके से जो है सरकारें यहाँ पर टीचर की वैकेंसी निकालती हैं और किस तरीके से जो रिजल्ट है यहाँ पर निकाला जाता है।
क्योंकि जो कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी का मानना यही होता है कि जो टीचर है वो यहाँ पर जो है हराम की सैलरी ले रहा है। अगर आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है तो आप, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद यहाँ पर नहीं चाह रही कि जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर घोषित हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिजल्ट आपका आज शाम को घोषित कर दे, अभी घोषित कर दे, कल घोषित कर दे, परसों घोषित कर दे। यानी कि मेन बात यह है कि किसी भी रिजल्ट पर यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं है, और गवर्नमेंट और HSSC जब चाहे तब तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो घोषित कर सकती है, लेकिन वो करेगी क्यों? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती ना, क्योंकि उसको सैलरी यहाँ पर इतनी देनी पड़ेगी एक साथ। तो इससे बढ़िया ये है कि वो नए सेशन में देखेगी या एक आध 2 साल बाद देखेगी, इसी तरीके से डेट चलती रहेंगी, ऐसे ही जो केस है वो चलता रहेगा। नहीं, सभी को पता है कि नोटिफिकेशन रूल के अकॉर्डिंग जो है वो भर्तियाँ होगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है और जो है केस ही आपका बाद में जो है, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है जो भर्तियाँ होती हैं, और जो भी नोटिफिकेशन में जो भी रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती होनी चाहिए। तो आप में से जो साथी इस चीज़ से सहमत हैं वो साथी यहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। लेकिन जो है ये खुद नहीं चाहते कि जो यहाँ पर भर्ती हो, और अगर आपको जो भर्ती है अगर आपको पूरी करवानी है तो आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट पर दबाव बनाना पड़ सकता है। इसके लिए चाहे आपको धरना करना पड़े, चाहे किसी से मिलना पड़े, चाहे कुछ भी आपको करना पड़े, लेकिन रिजल्ट आपका इस केस पर कोई भी डिपेंड नहीं है। इस केस पर तो बस आपका केवल जो है रिजल्ट की जो कट ऑफ वगैरह है वो सारी सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी, ना कि रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, रिजल्ट कितना लेट होगा, वो सारी चीजें इस पर यहाँ पर इतना जो है वो डिपेंड नहीं करेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।